आगे बढ़ते बड़ी खबर भोपाल से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है, कार्यकर्ताओं के बीच हम तो भारत माता की जय वाले हैं। कर्नाटक में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये बड़ी बात प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से कही गई है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन हम तो भारत माता की जय वाले हैं। हमें तो भारत माता की जय का नारा बुलंद करना है। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई तो पाकिस्तान जिंदाबाद होने लग गया, भगवा झंडे की जगह वो पाकिस्तान का झंडा फहराने लग गए, तो हमें जवाब अब देना पड़ेगा, बोलिए भारत माता की। चलिए ज्यादा बातचीत हम करेंगे, हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, किस आधार पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया कि पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं कर्नाटक में? दो तरह की चीजें जया सामने आ रही है, एक तो ये कि कर्नाटक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों हिंदुत्व के मुद्दे पर जो दिखाई दे रहा है। आप देखिए, एक वीडियो कमलनाथ का भी आज आया है जिसमें हनुमान भक्त अपने आप को बताएगा और ये कहा कि सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष जब पहुंचते हैं बूथ के सम्मेलन में तो निश्चित रूप से कोई उनके पास ऐसे इनपुट रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के पास कि जैसे ही वहां पर कांग्रेस जीती है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जैसा उन्होंने कहा। लेकिन उसके साथ ऊर्जा भरने का प्रयास किया है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भारत माता की जय के बाद। तो आप समझिएगा कि 2023 को लेकर कैसा घमासान होने वाला है मध्य प्रदेश में, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हमें लग रहा था कि बजरंग बली या जिस तरह की बातें कर्नाटका में चली तो दूसरी लाइन होगी, पर जैसा वीडियो कांग्रेस ने भी जारी किया है हनुमान जी वाला, राम के साथ हनुमान को दिखाया, असत्य पर सत्य की जीत, दूसरी तरफ वीडी शर्मा ये कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमें तो भारत माता की जय के नारे लगाना। तो 2023 में विकास के मुद्दे या बाकी सब योजनाएं तो रहेंगी, लेकिन ये मुद्दा थमेगा लगता नहीं है, क्योंकि आज जिस तरह के नारे, वो वीडियो जरूर एक बार दिखाइएगा आप फिर से कि आखिर उस वीडियो में क्या कहा गया, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि देश की तकरार कैसे होने वाली जिसमें हिंदुत्व भी होगा और विकास भी। बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी जानकारी साझा करने के लिए।